फ्रेंड्स, सोचिए अगर हमारी लाइफ में इंजन्स, जनरेटर्स, एलिवेटर्स और एसी नहीं हो तो लाइफ कैसी होगी? सोच ही नहीं पा रहे ना। एक्चुअली मशीन्स हमारी एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माम फाउंडेशन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। एक्सपर्ट मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, हैवी ड्यूटी मशीन्स और वैरायटी ऑफ मॉडर्न सिस्टम्स डिजाइन करते हैं। नेचर ऑफ वर्क। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसी के साथ इनकी मेंटेनेंस और टेस्टिंग भी यही होती है। मैकेनिकल इंजीनियर्स यहाँ बहुत कुछ डिजाइन करते हैं, जैसे न्यू बैटरीज, एथलेटिक इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, पर्सनल कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनर्स, ऑटोमोबाइल इंजिन्स, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। और इसीलिए इस इंजीनियरिंग को सबसे ज़्यादा डाइवर्स और वर्सेटाइल डिसिप्लिन माना जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई है। हाई स्पीड रेल हो या वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप ट्रैवल फॉर्म को परफेक्ट बनाते हैं और उनका इनोवेशन भी करते हैं, जैसे छोटा बड़ा, ह्यूमन पावर्ड या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइविंग। तो चलिए अब जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियर बनते कैसे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको 12 PCM साइंस के साथ करना होगा, उसके बाद JEE एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके BE या BTEC का कोर्स कर सकते हैं, जो कि 4 ईयर्स का बैचलर्स कोर्स है। और आप जिस स्टेट में हो उसका एंट्रेंस भी आपको क्लियर करना होगा, जैसे अगर आप गुजरात में हैं तो गुड सेट और महाराष्ट्र में हैं तो MH सेट। इसके अलावा आप 10th के बाद 3 ईयर्स का डिप्लोमा भी कर सकते हैं, और अगर आप डिग्री करना चाहे तो आप डिप्लोमा के बाद D2D यानी डिप्लोमा टू डिग्री कर सकते हैं, जो कि 3 ईयर्स का कोर्स है। और हाँ, आप बैचलर्स इन वोकेशन इन मैकेनिकल भी कर सकते हैं, ये 3 ईयर्स का कोर्स है, इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2। व्हाट टू लर्न। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज मिलेंगे। ज़्यादातर इंजीनियरिंग की तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इंस्टीट्यूट्स में सारे ब्रांचेस के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी होते हैं, और स्पेशलाइजेशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर कई मिथ्स भी हैं। नंबर 1, मैकेनिकल इंजीनियर्स डू नॉट गेट जॉब्स इन सॉफ्टवेयर कंपनी। जिन स्टूडेंट्स की लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होती है वो स्टूडेंट सिर्फ एक ही काम नहीं करते, बल्कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं, जैसे सिमुलेशन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ड्राइंग्स एंड प्रोग्रामिंग। नंबर 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर गर्ल्स। हम सब जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एज कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स कम जाती हैं, लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें तो लड़कियां भी फैक्ट्रीज और शॉप फ्लोर पर काम करती हैं। नंबर 3, लैक ऑफ सोशल एंड सॉफ्ट स्किल्स। सारे प्रोफेशनल फील्ड्स की तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों तरह के लोग होते हैं। आज के दौर में कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और मैकेनिकल इंजीनियर्स भी प्रेजेंटेशंस देते हैं और टीम वर्क में भी काम करते हैं, ताकि वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकें और प्रोडक्ट को इनोवेट या क्रिएट कर सकें। नीडेड स्किल्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर हम स्किल गैप को फिल कर दें तो हमारे लिए कई जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। क्रिएटिविटी। मैकेनिकल इंजीनियर्स प्रोडक्ट को डिज़ाइन और डेवलप करते हैं, फिर चाहे वो प्रोडक्ट रोबोट्स हो या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली पावर जनरेशन। लीडरशिप स्किल्स। मैकेनिकल सिस्टम के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट की टीम्स के साथ काम करना पड़ता है, इसीलिए अच्छी लीडरशिप स्किल्स से ही वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वर्किंग पीपल को हैंडल कर सकते हैं। मैथमेटिकल स्किल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट को डिज़ाइन और डेवलप करते हैं, तो इसीलिए जब वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उन्हें कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर स्किल्स। मैकेनिकल इंजीनियर अगर न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स सीख लेते हैं तो वो आसानी से अपने कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन और एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पहले उन्हें प्रोटोटाइप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में बहुत हेल्प करती हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं प्रोस की। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कई सारे सब डिसिप्लिन्स भी हैं, जैसे आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्पेशलिस्ट बन सकते हो। और इतने सारे ऑप्शंस होने पर आप स्किल्स के अकॉर्डिंग अपना करियर पाथ भी चूज कर सकते हो। इनोवेशंस फॉर द फ्यूचर। मैकेनिकल इंजीनियर न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, रोबोटिक्स। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं तो आप अमेजिंग प्रोडक्ट्स को डिस्कवर, इन्वेंट, इनोवेट, डिजाइन और क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बात करें चैलेंजेस की। कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द फील्ड। मैकेनिकल इंजीनियर को डिसेंट कंपनी में जॉब तभी ही मिल सकती है जब वो किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो और उनमें अच्छे स्किल्स भी हो या उनके फंडामेंटल्स भी क्लियर हो। आपकी आगे की ग्रोथ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स पर डिपेंड करती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर आप एक स्किल्ड मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपके लिए कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हैं, जैसे एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन, रेलवे कोच फैक्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्राइवेट सेक्टर के अलावा आपको पब्लिक सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है, जैसे इंडियन रेलवेज। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस सेक्टर के नेशनल मेजर प्लेयर्स देख सकते हैं। तो अब अगर मैं पूरे वीडियो को सम अप करूं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे पुरानी और वर्सेटाइल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम इन मोशन पढ़ते हैं। नई टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप भी बढ़ रहा है। सो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक एवरग्रीन लाइन है जो टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी डेली लाइफ को आसान बनाती है। Information on mechanical engineering, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.